खबर कौशाम्बी जनपद के नगर पंचायत सराय अकिल से है। बताते चले, पानी सप्लाई के लिए लाखों की लागत से दो पानी की टंकी बनाई गई, तीन पंप हाउस बनाए गए, जिसमें पानी टंकी पंप हाउस नंबर एक की मोटर कई महीनों से जली है। संबंधित अधिकारी के ध्यान न देने से कस्बे के लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं पर बरदाई बाजार स्थित पंप नंबर दो की मोटर तीन दिनों से जल गई, अब तो एक पंप के भरोसे पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा। वहीं पर पंप नंबर दो के आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है, इस पंप से लगभग 250 लोगों का परिवार पानी भरने के लिए आता। पंप हाउस के आसपास गंदगी का अंबार लगा रहता, जिससे गुजरकर लोग पानी भरने को मजबूर। वहीं से पानी की सप्लाई होने से कस्बे में बीमारी भी फैलने की आशंका। लोगों ने इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हमेशा तमाशा देखते हैं, जिससे कस्बे के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। गंदगी, कोई साफ सफाई नहीं हो रहा, चौपेक देखो कीचड़ में हिल के पानी भर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही पानी नीचे जा रहा तो पानी भी बदबू दे रहा पीने, अब क्या करें सर, पिए ना तो बहुत। इसकी शिकायत वगैरह भी कहीं आप लोगों ने नहीं की है सर? कहीं अभी तक नहीं किया? अभी नहीं किया। ठीक है, अभी कोई करने आया जांच वगैरह या अभी नहीं आया? नहीं आया कोई जांच करने। कब से मोटर यहाँ की कब से खराब है? कल परसों से जली है, कल मतलब। आप लोग कोई पानी की कैसे व्यवस्था करती हैं? सर यही चलता है तो पीते हैं, और कहाँ व्यवस्था। क्या नाम है आप जी? मैं ना देखा। कहाँ के रहने वाली हैं? यही सराय के बुद्धपुर।